हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SV अकैडमी रावला। आज मैं क्लास 10th विच सब्जेक्ट पंजाबी दा स्टोरी भाग दा लेसन नंबर 3 सांझी कंध दा जो बाकी हिस्सा रह गया सी पाठ दा पढ़ान जा रही हाँ। पहला कुछ पाठ आप पढ़ चुके हाँ, अगों हुण मैं पढ़ाऊँगी। यह बुक पेज 134 ते है, तुसी अपना बुक पेज 134 खोलना है ते उत्थे पढ़ना है। आपां हुण मैं तुहानूं पहला वाली स्टोरी दसूंगी कुछ कि पहला स्टोरी च की होया। दो भरा हुंदे हन कपूर सिंह ते दरबारा सिंह, दोनों आपस विच चाचे ताए दे मुंडे हुंदे हन ते दोनों दी जो एक कंध सांझी हुंदी है जो कि कच्ची हुंदी है। कपूर सिंह दा मकान है जो बारिशां विच ढह जांदा है, उहनू उसनू पक्का करना चाहुंदा है ते पक्का करके सब सारे मकान नू वधिया तरह पाउणा चाहुंदा है ते उह चाहुंदा है कि एक साल सारा मकान पै जाए, कोई भी कंध एवें ना रहे। पर दरबारा सिंह है जो जिस नाल उसकी कंध सांझी हुंदी है कपूर सिंह दी, वो उसनू कोई न्याय नहीं दिंदा ते कंध बनाउण च कोई सहायता नहीं करता। वह कहिंदा तू बनानी है तो बना लै, नहीं तो मैं नहीं बनानी। फिर उन्हें बहुत मिन्नता करता दरबारा सिंह, कपूर सिंह दरबारा सिंह नू बहुत मिन्नता करता है कि आपां दोनों रल के कंध बना लीए, मेथों कल्ले तो भी नहीं बन होनी। पर वो अपने पैरों ते पानी नहीं पैन दिंदा। फिर धम्मा सिंह वर्गे सरपंच दी गल्लां च आ जांदा है ते बाद विच उन्हां सरपंच सिंह ते धम्मा सिंह ते पटवारी दीआं गल्लां विच आ के उसनू कोई अद नहीं दिंदा। पर फिर भी पंचायत होण तों बाद उह उसनू दो लंबियां किश्तां च पैसे देने मंजूर कर लैंदा है। मजूरी उसनू छड दित्ती जांदी है, सिर्फ समान दा पैसा लिया जांदा है। पहली किश्त जो आउंदी लोड़ीं छड के नमाणी नू देनी हुंदी है ते अगली दूजी है जो अगली लोड़ी देनी हुंदी है। हुण अगों आपां पढ़ांगे 5th पैरा है। देखो भावें मजूरी सारी कपूर सिंह दे सिर ही पै गई जो 80-82 तक बनती सी, तां वी उह खुश सी। कम तुरदा हो गया, उहदे सिर 40 कु ही वध पए। कोई गल नहीं, इन्ना कुछ तो आप भी जाके दरबारे नूं कहिंदा ही सी। अगले दिन पंचायत दे 4 आदमी आए ते सामने कंध ढवा के नींह पटवाण लगे। इट धरन वेले कंध उत्ते मेला लग गया, यानी कंध शुरू करन तो पहला सारे लोग इकट्ठे हो गए। दरबारा खुश तो अगे ही नहीं सी, पर हुण जद कंध बनन ही लग गई तां अड़ फुटन दी नमुश विच उहदी हिक उत्ते सप लिट रहे सी। एक पास्यों धम्मा सिंह सरपंच ने रस्सी फड़ी, दूजे पास्यों नाहर सिंह अकाली ने। जद रस्सी नाहर सिंह ने नींव दे सिरे उत्ते छोही तो झट बुखलाई आवाज़ विच दरबारा बोलिया, अपने अमान नू जान के न्या करी कालिया, सानू तो दोवें एक सारो दरबारा सिया। नाहर सिंह ने उत्तर दिता। सारे लोग एक टक रस्सी वाल देखन लगे। परले सिरे बैठे धम्मा सिंह सरपंच ने हथ पर कपूर सिंह वाल रस्सी तार दिती। देखो धम्मा सिंह फिर लड़ाउण वास्ते फिर रहा, फिर उह कपूर सिंह वाल अगे तार दिंदा रस्सी नूं। एकदम रौला पै गया, आ तजमा विंगी है, इत्थे कंध जांदियो नहीं। किसे उच्ची बोल के धम्मा सिंह नूं आख्या, रस्सी एक हथ दूजे पासे नूं धरे, इन्ना फर्क तां अन्यां नूं वी दिसदा सी। रस्सी धम्मा सिंह नूं दूजे पासे धरनी पई। हुण ठीक है, सारिआं ने तसल्ली दा साह लिया। साहल सुट के मिस्त्री निशान लग पिया कि दरबारे ने झट रौला पा दिता, मैनू नहीं मंजूर, यह कोई इंसाफ है, कंध 4 उंगल मेरे पासे पई है। तेरे पासे तो सारियों पई है। जद 4 आदमी खड़े ने कोल कपूर सिंह बोलिया,
दरबारे झट गाल कढ के आख्या, जम्मिया कौन है ओए मेरे पासे कंध करन वाला? बंदा भावें लख नरम होवे गाल पर किसे तो कोई क्यों खावे? पूरे जोश नाल कपूर सिंह ने मुक्का वट के वंगारिया, न्यों च गढ़ दूँ न्यों च, यानी नीवा च गढ़ दूँ। तो इन्ने विच करो दा छोटा भरा गंदाली चुक लिया आ, दोवें पासे गालां दी वाछड़ होण लगी। दूजे पासे दरबारे दा भतीजा गंडासी चाढ़ के आ गया। दरबारे ने लैंदे ही दथड़ी जोड़ के लाठी कपूर सिंह दे मारी, आ तेनू दिखा न्यों च गढ़ दे नू, ते नाल हिदी नाल ततेरी कपूर सिंह दे सिर विचों आई, यानी खून निकलन लग गया। कीचरा कीचरा झट गंदाली दरबारे दे मोहरां उत्ते पई, यानी पैर दे गिट्टियां दे दूजी पुड़पुड़ी विच लहू दी टीक चल पई, ते ओह उल्ट के नीं विच जड़ गया। पंच रस्सी छड़ के परां हो गए सन। आखर कुछ लोग हौसला करके छुड़ाउण, तीवियां घरां चों निकल के आमो सामने बाहां उलार दियां मेनो मेनी होण लगियां, चीख चंग्याड़ा गालां दुप्पड़ां कन्न पईयां पई आवाज ना सुने। दो घंटे ओह चज्जू प्यारिया, ओह रूद छनिया कि लोकी कन्ना उत्ते हथ धर गए। इस तो मगरों कुछ दिन पा के कंध तां बन गई जिहो जी चाहीदी सी ओह जी बन गई, पर जिउण दा हज कोई ना रहा। जिहड़ी गल दा डर सी ओही हो के हटी, दोहां धिरां दीआं जमानतां हो गईआं, दिलां विच पटक पै गए, बोल चाल जांदी रही, पुछतां लई वैर खड़ा हो गया। दो चार छः महीने उड़क वरा लंघ गया, यानी पूरा साल लंघ गया। नमानी दे मौके भी कपूर सिंह ने आप जाके दरबारे तो पैसे मंगन दा छेड़ना जाया। सारे पिंड सामने लिखतो ही सी मुक्कर ता हो सकदा नहीं, छः महीने होर लंघ गए, दूजी लोहड़ी दी किश्त भी लंघ गई। आथन सवेर कपूर सिंह पंचायत नूं कहन वाला ही सी कि एक सवेर कालजा फड़ी चाची राम कौर आई, तैं कुछ सुनिया कपूर सिंह? हैरान हो के कपूर सिंह चौंकिया, ना चाची क्यों की गल है? लै वे तेनू खबरे ही नहीं, मुंडा तो भूंजे लिया पिया दरबारा। दरबारा लै की होर की, ओह तन मुनी नाल जुड़िया पिया, ठंड दी सीट च आ गया, 15 दिन हो गए। रात बहु रोंदी सी नहीं सी चली जांदी, एक तो लाज कराउणा है किहड़ा सौखे ने चंद्रे बिना पैसे, लाज यानी इलाज। चाची राम कौर कपूर सिंह नूं दस रही है कि दरबारा बहुत बीमार है, नमूनी नाल जुड़िया पिया, ठंड भी लग गई उहनूं, ते रात नूं दी वट्टी रोंदी सी, पर इलाज कराने किहड़ा सौखे है, इलाज लिखिया ना इलाज, बिना पैसे तो इलाज नहीं हुंदी, सब नूं पता है। मैनूं तां चाची हुण तित्तों पता लग्गिया है। कपूर सिंह की कहिंदा, मैनूं तां तुहाडे ते पता लग्गिया है, लै आहो छड्ड तेनू किते उपर है। वह कहती है भी तू कि तेनू कड़ा उपर है तेरा भरा, आउन जान बाजों कंध ओले परदेसी है चाची, लै ओ जाने नूहां नालों मास नहीं टुटदा कदे साऊ। कहिंदिया चाची सहनत सुट के चली गई। चाची उन्हें कह के जाती है भी नूहां नालों मास, यानी रिश्ते कभी टुटते नहीं, तू जाए वो कह के चली गई। कहती कोई नहीं तू भुल जा गल, ते नूहां नालों मास दूर नहीं हुंदा टुटदा नहीं। कपूर सिंह उठ्या ते झकदा झकाउंदा दरबारे दे घर अंदर लंघ गया, यानी उहनूं एक तरह हो भी रहा सी भी मैं जावां कि ना जावां, शर्म भी आ रही सी, ते कदी उह इन्ना टाइम हो गया उहनूं मिलिया नहीं सी, तां करके मसा ही उहदे घर अंदर गया। विहड़े विच कंध दी ओट नाल धुप्पे दरबारे दा मंजा सी। कपूर सिंह ने जद दरबारे वल वेख्या तां उह खड़ा रह गया, सुक के पिंजर बनिया शरीर, काला धुएं वर्गा रंग, अंदर नूं तसियां हुई अखां, ते दरबारे दी न्याणी टबरी यानी छोटे छोटे बच्चे जमा सुक्या पिया सी, धुएं वर्गा यानी काला रंग होया पिया सी, ते अखां तसियां पईआं सी, अंदर नूं बहुत कमजोर होया पिया सी। ते कहिंदा दरबारे दी न्याणी टबरी यानी छोटे छोटे बच्चे, अंदरों दरबारे दी घरवाली ने मंजे कोल स्टूल डाह दित्ता, पर कपूर सिंह दरबारे दे कोल ही मंजे दी माही उत्ते बह गया। की हाल है भाई दरबारिया, रजाई दी आसरे दी ढो ला के दरबारा कुछ बैठदा होया बोलिया, हुण तां चंगा भाई बीमारी दा पन्निया ओहदा निडाल मन कुछ करार फड़ाया,
कोई ना तू प्यारो उठन दी खेचल ना कर, कमजोरी ज्यादा है। बोलन लग्या दरबारे दा सारा तिग कंबदा सी, सारा शरीर कंबदा सी, सब दूर हो जू चुगाट बच रहे बाण बथेरा। कपूर सिंह ने हौसला दिता, लोगड़ गर्म करके उहदी कुड़ी हरबंसो उस दियां उहदियां वखियां उत्ते सेकन ले लियाई। इलाज इलाज किदा, कपूर सिंह ने पूछा। इलाज, दरबार अगो चुप कर गया, इलाज किसे दा ही नहीं, इलाज यानी किसे दा ही, चल नहीं रहा इलाज, उहदे कोल पैसे है नहीं, तां करके नां दे इलाज कोई इलाज हुंदे हन। कपूर सिंह तो लुकिया की सी, एक दूजे दे घर दी हालत तो जानदे ही सन। कपूर सिंह ने 10 रुपया दा नोट कढ के दरबारे जेब विच पा दिता। मैं जाके मंडियो डाक्टर नूं भेज दां, दरबारे दे मन विच हूक उठी, मैं तां अगे ही तेरे पैसे देने है भाई कंध आले, तू हाले तकड़ा हो दिंदा रही पैसे, पैसिया सालिया ने नाल जाने। दरबारे दी अखां सिम आईयां, यानी अंजू आन लग गया उहदी अखां च। थोड़े चिर पिछों भरे हुए गच नाल उह धीमा जिहा बोलिया, मकान दा कम चढ़ गया सिरे, पुछदा उहनूं थोड़ा जिहा टेल टप्पा रहिंदा, सीमेंट थुड़ गया, मैनूं तां सोहरा सरपंच विखाउंदा रिहा, नहीं तां मैं कड़ा तेरा दुखी सी, हुण तूं इहनां नूं मन ते ना लिया, जे 4 भांडे होणगे तां खड़कणगे, हाड़ तां बंसो दा विआह दे दईए। दरबारे दे लूह लूह चों अपना त्याग रही सी, कोई डर नहीं, जेड़ा भार सिरों लै जावे चंगा, तू आएगा जिकन तू कहें। फिर कपूर सिंह नूं कहिंदा, जिवें तू कहेंगा उवें कर लाँगे, मैं जरूर आऊँगा, कहिंदा। दरबारे ने कंबदे हत्थां विच कपूर सिंह दा हत्थ फड़ के कहा, आख्या तेरे बिना बाई मैं काहदे जोगा। उहदे बुल फरकन लगे ते अखां विचों परल परल अंजुआं दियां धारां फुट पईआं, यानी रोन लग गया वो। तू दिल रख वीर, मैं तेतों नाबरता नहीं, कपूर सिंह ने मसीहे बोला के हंजुआं दियां दो धारां उहदे चेहरे उत्ते भी वग पईआं, यानी दोनों विच अपना पिन जाग पिया। तो दरबारा उहनूं पुछदा भी मैं हंस बंसो दा, यानी हरबंसों दी कुड़ी है, उहदा विआह दे दईए। उह कहिंदा, कपूर सिंह कहिंदा, जिवें तेरी मर्जी कर लै, पर दोनों च अपना जाग जांदी। उह कहिंदा, धर्मा सिंह मैनूं तां भड़कांदा सी, मैं तेरा दुखी नहीं हैगा। पर कपूर सिंह कहिंदा, कोई गल नहीं, तू हुण आपां सही हो जा, तो फिर आपां दोनों मिल के गल करांगे। कहिंदा, मैं पहले भी तेरे पैसे देने हैं। कहिंदा, कोई गल नहीं, तू फिक्र ना कर, तो मैं अपने आप ले लवांगे, तू दे देंगा, अगर तू सही रहेगा तां ही पैसे देंगा। इस तरह दोनों भरा गल करते हैं। इस तरह आपां देखते हैं कि सानूं सरपंच धम्मा सिंह वर्गे लोगों के गल्लां च नहीं आना चाहिए, तो मिल के रहना चाहिए, भरा भरावां नूं भैन भरावां नूं सब नूं मिलजुल के रहना चाहिए, अते लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इस तरह इस कहानी तो सानूं बहुत वधिया शिक्षा मिलती है। तुसीं इह कहानी पढ़नी है, पढ़ के अपने आप इसके क्वेश्चन आंसर करके देखोगे, पर मैं बाद विच करवाऊंगी, फिर तुसीं अपने मैच कर लेने भी सही किते कि नहीं। जे अगर कोई ना समझावे तो मैं करवानी तो है ही आंसर, बाकी तुसीं नूं पढ़ के देखना है, अपना लर्न करना है, साफ सुथरा जो भी काम मिलेगा उन्होंने साफ सुथरा सुंदर करना है। मैनूं उम्मीद है कि पहला पाठां वाले क्वेश्चन आंसर तुसीं कर चुके होगे, ये भी तुसीं लैसन पढ़ के देखना है, 2-3 बार वीडियो देखोगे ताकि चंगी तरह तुहानूं पाठ समझ आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।